those who Mr. Soros finds pliable need to know that India has defeated imperialistic designs before and shall do so again. Those who support Mr. Soros need to know that democracy has prevailed in India and will continue to do so, and particularly as a Karyakarta of the Bharatiya Janata Party. These designs to weaken Indian democracy will be met with the might of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं, एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए।